वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो डियर स्टूडेंट आज से आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम यूनिट वन ही हम पढ़ेंगे एज यूजल और यूनिट वन में आपके पास में बेसिकली दो टॉपिक्स हमें यहाँ पर कवर करने हैं और गारंटेड क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया तो गारंटेड क्वेश्चन पढ़ाया था वो गारंटीड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले इस सेमेस्टर में भी आपको कुछ इसी तरीके से मैं यहाँ पर प्रिपरेशन लेकर के चलूंगा और आपके पेपर को लेकर का बेफिक्र रह जाइए कि क्या आएगा नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा कि आपके पेपर में क्या आएगा तो यूनिट वन आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसमें दो टॉपिक आपको बस प्रिपेयर करना और यूनिट वन आपका कवर हो जाता है दो टॉपिक एक तो आपके पास इंट्रोडक्शन यूनिट वन का नाम इसमें आपको वट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो के बीच में क्या डिफरेंस है ये क्वेश्चन एक पेपर में आपको कई बार देखने को मिला भी है एक ये क्वेश्चन बनता है दूसरा क्वेश्चन आपको आप बनता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज इन एन इकोनॉमी के के एक अंदर क्या क्या इश्यूज होते हैं दो क्वेश्चन हमें यहां पर कवर करना है आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जब सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे तो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं देखिए आप मान एक सिंपल से एक, 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 एक मैं दो एग्जांपल लेता हूँ मान लेंगे कि कोई एक ऐसा पर्सन है या फिर मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि यार मेरे जो है जो मैं कम्युनिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ इसका प्राइस क्या होना चाहिए तो ये मेरी इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है ना क्लियर है मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मुझे आ, किस कॉम्युनिटी को चूज़ करना चाहिए जिससे कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम पहुंच जाए तो ये मैं ये अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं ना कि मैं जो ये सोच रहा हूं कि मुझे कितना इस कम्युनिटी का प्राइस देना चाहिए तो ये मेरे इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है तो एज अ प्रोड्यूसर हूं तो मेरे कॉस्ट का प्राइस क्या हो या फिर एज अ कंज्यूमर हूं तो मुझे क्या प्राइस पे करना चाहिए या फिर मुझे किस कम्यूडिटी को चूज़ करना चाहिए ये सारी प्रॉब्लम मेरी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है मुझे कितनी इसकी डिमांड कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए ये सारी मेरी अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है और इस इंडिविजुअल प्रॉब्लम को ये छोटे स्तर की प्रॉब्लम हो होगी क्योंकि अकेले की ही प्रॉब्लम है मेरी इस प्रॉब्लम को मैं कहूँगा माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है छोटा इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा मैं सोच रहा हूँ कि यार हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है सबको रोजगार कैसे मिले सबको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले मैं ही सोच रहा हूं तो उसमें इंडिविजुअल कोई पर्सन आया या एग्रीगेट सभी लोग आ गए देश में रहने वाले सभी लोग आ गए मैं सोच रहा हूं कि हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं तो इनकी इनकी ग्रोथ कैसे करें गरीब हमारे देश के लोगों का ग्रोथ कैसे हो तो वहां पर मैं इंडिविजुअल अपने लेवल पर सोच रहा हूं या फिर सबके एग्रीगेट लेवल पर सोच रहा हूं एग्रीगेट लेवल पर सोच रहा हूं तो इसमें हमारे देश की नेशनल इनकम क्या हो हमारी ग्रोथ कैसी हो हमारा इंप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर क्या हो हमारे नेशन का तो वहां पर जब सभी लोग शामिल हो गए तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है मैक्रो का मतलब होता है कि लार्ज स्केल पे तो बेसिकली इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपका एक तो माइक्रो एक मैक्रो माइक्रो में आप इंडिविजुअल लेवल पे जो भी आपको प्रॉब्लम आप चॉइस आपके सामने आती है आप उसकी स्टडी करते हैं आपको पता है कि रिसोर्सिस हमारे सबके पास में लिमिटेड है चाहे गवर्नमेंट हो चाहे इंडिविजुअल लेवल पर आप हो आपको अपना परिवार चलाना हो तो भी आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और गवर्नमेंट को देश चलाना है उनके पास में भी रिसोर्सेस लिमिटेड है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है एक हाउस होल्ड के पास में भी है और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है गवर्नमेंट के पास में भी है मीन्स गवर्नमेंट भी सोच रही है कि मैं अपना जो है मेरे पास जो बजट है उसको मैं एजुकेशन पे कितना डाइवर्ट करूं उसको मैं हेल्थ पे कितना डाइवर्ट करूं उसको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना डाइवर्ट करूं उसको मैं डिफेंस पे कितना डाइवर्ट करूं तो गवर्नमेंट के सामने भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है इसके बजट वो लेकर आती है बजट में डिसाइड करती है कि इस कितना हम जो है रिसोर्सेज का लोकेट करें और एक हाउस होल्ड में एक परिवार के पास में पापा की जब सैलरी आती है तो पापा भी सोचते हैं कि इस सैलरी में से एजुकेशन के लिए क्या करना है हेल्थ के लिए क्या इसमें से मैनेज करना है अदर हमारे अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर है उस पर क्या आपको मैनेज करना है कंजम्पशन पे क्या मैनेज करना है तो दो लोग हो गए एक हो गए गवर्नमेंट एक हो गए मान लीजिए आपके घर में आपके फादर दोनों की अपनी प्रॉब्लम है क्यों उन गवर्नमेंट के पास में भी सोर्सेज लिमिटेड है और आपके फादर के पास में भी रिसोर्सेज लिमिटेड है तो दोनों के पास में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या करें क्या ना करें तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दोनों के पास में आता है बस फर्क इतना है कि आपके फादर अपने बारे में सोच रहे हैं बस एक अपनी एक इंडिविजुअल फैमिली के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक माइक्रो लेवल की जो है स्टडी है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो गवर्नमेंट है वो एग्रीगेट लेवल पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का जो है सोल्यूशन कर रहे हैं एग्रीगेट लेवल पे पूरे देश के स्तर पर इसलिए वो एक लार्ज स्केल पर आ गया और इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स तो समझ में आ गया आपको माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है ये इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी करता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है ये एग्रीगेट लेवल पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को चॉइस की स्टडी करता है बेसिकली इंडिविजुअल और एग्रीगेट से दोनों को आप डिफ्रिशिएट कर सकते हो क्लियर है बच्चे तो इसके अपने अपने डेफिनेशन uh, हर इकोनॉमिक्स ने लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं द टर्म ऑफ माइक्रो टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैक्रोज विच मीन्स बिग

तो ये भी मैं सबकी ही बात कर रहा हूं मैं बिजनेस साइकिल की मैं बात कर रहा हूं तो मैं पूरे बिजनेस की ही मैं बात कर रहा हूं तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है ये वेरियस इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं क्लियर है अलग अलग इकोनॉमिक्स एग्रीगेट है एम्प्लॉयमेंट एक अलग चीज हो गई आपका ग्रोथ एक अलग चीज हो गया आपका बिजनेस साइकिल एक आपका अलग चीज हो गया इन्फ्लेशन और रिसेशन एक आपका अलग चीज हो गया तो ये सारे इकोनॉमिक एग्रीगेट ही हैं अलग अलग होने की वजह से इनको तो वेरियस इकोनॉमिक एग्रीगेट कहा है तो यहां यह कह रहा है कि द स्टडी ऑफ वेरियस इकोनॉमी एग्रीगेट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये सबके सब किसके अंदर आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं इन शॉर्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एग्रीगेट ये इकोनॉमिक्स एग्रीगेट है ना इनकी स्टडी करता है वेर इन द इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द वेरियस एग्रीगेट और इकोनॉमिक का रिलेशन सिर्फ किसी एक एग्रीगेट के साथ में नहीं है इकोनॉमिक का रिलेशन हमारे सिर्फ और सिर्फ अब आप कहेंगे सर इकोनॉमिक क्या है इकनॉमिक क्या बार बार इकोनॉमिक वर्ड को यूज कर रहे हो क्लियर है तो बच्चे वो इकोनॉमी का मतलब ही हो गया जो आपके पास पे जहां पे एक ऐसा एरिया जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट देता है उस जोन को हम इकोनॉमी कहते हैं बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना ठीक है हमें तीन सेक्टर से हमें जो है कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो है सर्वाइव करते हैं हम सस्टेन कर पाते हैं तीन सेक्टर से हमें से बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है हमें से बाकी जो रेस्ट ऑफ बाकी जो हो गए उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं और जो रेस्ट ऑफ बच गए उनमें से वो कि सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं तीन ही सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं इसके अलावा कोई चौथा सेक्टर है नहीं तो इन तीनों सेक्टर को अगर शॉर्ट में मैं बोलू मैं प्राइमरी सेक्टर ना बोल करके मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उसके बाद तो प्राइमरी सेक्टर प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लस सर्विस सेक्टर इक्वल्स टू इकोनॉमी बात समझ में आया आपको

हमारे तीन सेक्टर होते हैं हमारे एकनौम, हमारे इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं एक तो हाउस होल्ड हाउस होल्ड का मतलब आप आप अप सिर्फ अपना परिवार में सोचिए जितने भी परिवार हैं उन सब परिवार को ले लीजिए हाउस होल्ड एक फर्म जितने भी यूनिट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का, का काम करती हैं वो सारे की सारी या सर्विसेज का, का काम करती है फर्म वो एक दूसरा सेक्टर हो गया गवर्नमेंट ये तीसरा सेक्टर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट चौथा सेक्टर है तो कितने सेक्टर हो गए हमारे पास में चार सेक्टर हो गए क्लियर है बच्चे तो चार सेक्टर कौन कौन से हो गए हमारे पास में फोर सेक्टर कौन कौन से हैं? हमारे पास में कितने सेक्टर है फोर सेक्टर है क्लियर से है बच्चे हमारे पास में टोटल चार सेक्टर है इकोनॉमिक और चार सेक्टर कौन कौन से हैं एक तो हमारे पास में आ गया हाउस होल्ड और एक सेक्टर हमारे पास में हाउस होल्ड के साथ साथ में एक सेक्टर हमारे पास में आ गया फॉर्म क्लियर है बच्चे और एक सेक्टर हमारे पास में आ गया गवर्नमेंट और एक सेक्टर हमारे पास में आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये चार सेक्टर बच्चे हमारे पास में हैं इकोनॉमी के अंदर चारों का चारों का रोल रहता है हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ मेरा और आपकी फैमिली की बात नहीं कर रहा मैं जितने भी फैमिलीज हैं हमारे नेशन के अंदर सभी फैमिली को एक यूनिट में मैं बता रहा हूं हाउस होल्ड उसका नाम दे दिया है हमने तो ये डिमांड करते हैं अब मैं डिमांड करता हूँ मेरे परिवार में चीजें हैं कंजम्पशन है अपना वो डिमांड करते हैं आपके परिवार में जो चीज़ें डिमांड करते हैं हम सब एक डिमांड करने वाले हम सब लोग हैं दूसरा गवर्नमेंट भी डिमांड करती है गवर्नमेंट भी, भी क्या करती है रोड बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए उसको स्कूल बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहि चाहिए उसको मेडिसिन के लिए उसको चाहिए वो मिड डे मील के लिए उनको चाहिए उनको वेपन्स बनाने के लिए चाहिए तो गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती है फर्म भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं तो ये चारों सेक्टर के डिमांड को अगर हम ऐड कर दें जितना गवर्नमेंट ने करा जितना हाउस होल्ड ने करा जितना फर्म ने करा जितना हमने यहां से एक्सपोर्ट करा इन सभी डिमांड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा बनता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये चारों के चारों सेक्टर की डिमांड की बात कर रहा हूं क्लियर है बच्चे तो ये वही बात कर रहा है एग्रीगेट डिमांड समझ में आया एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या हुआ नेशनल इनकम

जिसके अंदर के अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग बताया भी है हाँ जी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने भी इसकी जो है डेफिनेशन दी है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट ओनली विद एन इंडिविजुअल्स ये एक इंडिविजुअल के साथ में डील नहीं करता है बल्कि क्वांटिटीज एज सो बट विद द एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज यही जो इंडिविजुअल लेवल की जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है अगर ये एग्रीगेट लेवल पर पहुंच जाती है तो इसको डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉट विद द इंडिजुअल इनकम ये इंडिजुअल इनकम के बारे में बात नहीं करेगा बट विद द नेशनल इनकम यह नेशनल इनकम की स्टडी करेगा नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइस उसकी बात नहीं करेगा बट विद द प्राइज लेवल ऑफ कम्युनिटी इन अ नेशन नॉट विद द individual आउटपुट के मैं कितना प्रोडक्शन करूं इसकी इसके ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक डिस्कस नहीं करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करता है बट विद द नेशनल आउटपुट पूरे देश का हमारा प्रोडक्शन लेवल कितना होना चाहिए तो ये हमारे पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स है इतना और एक किसी एक का भी आप लिख देंगे सफिसंट है एक ही डेफिनेशन को हमारे रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अब यहाँ पर बच्चे आ, बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो आपका मैंने माइक्रो और माइक्रो दोनों डिस्कशन में मैंने आपके साथ में रखा है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बच्चे बात करें तो क्या है माइक्रो मतलब माइक्रो वर्ड से ही क्लियर है कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा तो जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वो इंडिविजुअल लेवल पर भी आती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड मेरे पास में भी है फॉर एक्जाम्पल मेरे पॉकेट में जितने भी पैसे हैं वो लिमिटेड है अब मैं मार्केट में जाता हूं और फ्रूट और वेजिटेबल मुझे दोनों बाय करना है तो मैं कंफ्यूज हूं कि अगर मैं वेजिटेबल ज्यादा ले लेता हूं तो फ्रूट्स कम आएंगे मेरे पास में क्योंकि मेरे पास में जो मेरे पास बजट है मेरा वो लिमिटेड है रिसोर्सेज लिमिटेड है और फ्रूट ज्यादा ले लूंगा तो वेजिटेबल की स्टडी करूंगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा मेरे लिए सबसे अच्छी चीज क्या होगी किस का सिलेक्शन मुझे मैक्सिम सेटिस्फेक्शन लेवल की तरफ लेके जाएगा तो मुझे ऐसी अवेयरनेस और ऐसी नॉलेज मेरे पास में होनी चाहिए जिससे कि मैं अपने आप अपने का फायदा कर पाऊं तो

क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है, है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डिस्कस करता है तो आगे यहां पर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज अ ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड फॉर्म इज मेकिंग डिसीजन तो वही कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स ये ये इंपॉर्टेंट लाइन है आप पेपर को जब आंसर करो ना तो ऐसी चीजों को ऐसे कर दिया करो क्योंकि एस कॉलेजेस uh, के अंदर मैंने देखा हुआ है इतने ज्यादा ज्यादा थ्योरी लिखने के बाद भी वो पांच सात सात नंबर का आठ आठ नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें वो एक नंबर दे करके आगे बढ़ जाते हैं बताओ वो पढ़ते ही नहीं है इसलिए आप उनको पढ़वाओ भाई स्टडीजियर ऑफ इंडिविजुअल्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स नजरे जाएंगे मार्क्स खुल के निकल के आएंगे एंड द फॉर्म इज द मेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग द फॉर्म एडिजन लेता है लोकेशन ऑफ द स्केयर ऑफ द रिसोर्सिस एंड द इंट्रेक्शन अमंग दीज इंडिविजुअल्स And farm, the word micro has been the taken from the Greek micro, which the, signifies the small. इसका मतलब क्या है? Small है. Microeconomics theory the problem of the related to the individual, industry, firm, markets, other economic units are studied such as the price determination of the community. कोई community का price क्या रखूँ मैं? ये मेरा क्या है? Microeconomics से. ऐसे कुछ example हैं कि मेरे demand कितनी करनी चाहिए मुझे, मुझे कितनी चीजें produce करनी, production क्या होना चाहिए, price क्या रहना चाहिए. फैक्टर प्राइजिंग क्या रहनी चाहिए जो रिसोर्सेज हैं उसके प्राइजेस क्या रहने चाहिए लेबर में कितने रुपए में हायर करूं लैंड कितने रुपए का रेंट में हायर करूं ये सारे मेरी प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पर है तो ये फैक्टर प्राइजिंग का मतलब होता है कि रिसोर्सेज जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी प्राइजेस क्या हो लेबर की कितनी हो लैंड की कितनी हो इंटरेस्ट रेट हमें क्या पे करना चाहिए हमें प्रॉफिट कितना रखना चाहिए सब फैक्टर प्राइजेस हैं फॉलोइंग अदर सम इंपॉर्टेंट दैट डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड वेल डिफाइंड द ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल क्लियर है बच्चे तो आप भी डेफिनेशन लिख सकते हैं दोनों की हाँ मेन है कि दोनों में डिफ्रेस क्या है कभी भी डिफरेंस करना हो तो उसको आप पैराग्राफ के अंदर डिफ्रेंस आप नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको बीच में लाइन डालना पड़ेगा दो पार्ट्स में आप डिफरेंसिस करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में अगर आप डिफ्रेंसेस की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे वही चीजें बाद रिपीट होंगी जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं बस इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाइए माइक्रोकोनॉमिक स्टडी द प्रॉब ऑफ इंडिव्युअल क्लियर है

आपने जब प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो आपने ये भी पढ़ा था अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट आपने प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिमांड पढ़ा था इन इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था कि किसी कम्युनिटी की डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है आपने एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रेक्शन डिमांड पढ़ा था कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है बेसिकली कि जब किसी कम्युनिटी की प्राइस रिड्यूस होते होती है तो डिमांड ज्यादा होती है तो इसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं बट अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट तो जब भी हम एक इंडिविजुअल थ्योरी का डिस्कसन कर रहे थे हम माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हम एक चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे तो बाकी चीजें भी अफेक्ट कर सकती थी इसलिए हम उसको क्या बोल दिया हमने वो कॉन्स्टेंट है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ अपने लेवल पर चीजों को सोच रहे हैं बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है हर चीज दूसरे से रिलेटेड होती है क्लियर है बच्चे अब हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होती है आप देखेंगे जरा मान लें कि डिमांड का लेवल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ अब अनएम्प्लॉयमेंट आने से क्या होगा बेरोजगारी आने से लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं होगा लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो क्या होगा डिमांड जो है वो डाउन कर देगा जब पैसा ही तो खरीदने क्या जाओगे आप खरीदोगे क्या खरीदारी क्या करोगे तो डिमांड जो है वो डाउन हो जाएगी जब डिमांड हमारी डाउन हो जाएगी तो आपको पता है कि जो फार्मों का जो गुड्स है वो अनसोल्ड रह जाएगा तो अनसोल्ड रह जाएगा तो वो क्यों और प्रोड्यूस करेंगे वो जो लेबर उनके पास में हम वो उसको घर बिठा देंगे कि भैया पहले ये मान निकलने दो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ को हम कॉन्स्टेंट या फिर नहीं एज्यूम कर सकते हैं। सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं तो यहां पर ये यह वही बात कर रहा है इसके बाद अगर हम जाते हैं कि द मेन डिटर्मिनेट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस एंड द मेन डिटर्मिनेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द नेशनल इनकम तो प्राइस का मतलब कोई कम्युनिटी मैंने प्रोड्यूस करा या कोई कम्युनिटी में लेने जा रहा हूं उसका प्राइस क्या होना चाहिए बेस्ट और नेशनल इनकम का मतलब है कि हमारे देश को हमें किस लेवल तक हमें लेकर के जाना है